हेलो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही के कबाब। आप इसे एपेटाइज़र में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब होता है और बनाने में भी बिल्कुल आसान। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दही के कबाब बनाने के लिए हमें हंकड़ चाहिए होगा। मैं यहाँ छन्नी से दही और पानी अलग कर लूँगी। आप इसकी जगह मसलिन क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं। दही के कबाब के लिए आपको ओवरनाइट इसे रखना पड़ेगा ताकि दही से सारा पानी निकल जाए और हमें एक अच्छा सा हंकड़ मिल जाए। मैं यहाँ 400 ग्राम दही ले रही हूँ। आप ज़्यादा खट्टा दही ना लें। इसे हम अब फ्रिज में ओवरनाइट रखेंगे। ये देखिए, इसे मैंने रात भर रखा था फ्रिज में। दही से सारा पानी अलग हो चुका है और हमारा हंकड़ भी रेडी है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक कटोरी ग्रेट किया हुआ पनीर। मैं यहाँ 100 ग्राम पनीर ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता के डंडियाँ, इससे कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और बारीक कटी हुई दो छोटे प्याज, एक चम्मच चॉप्ड किया हुआ अदरक, नमक स्वाद अनुसार, रोस्ट किया हुआ आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर दही चम्मच से ना गिरे इसका मतलब है कबाब परफेक्ट बनेंगे। दही नीचे नहीं गिर रहा है, ये अब रेडी है। थोड़ा सा दही लेंगे चम्मच से और ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे और एक कबाब का शेप दे देंगे। आप अपने पसंद से इसे शेप दे सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से इसे आपको शेप देना है। शेप देने के बाद इसे फिर से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब रेडी है हमारे। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए करीब 2 घंटे के लिए। कबाब को हम शैलो फ्राई और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, चलिए इसे हम शैलो फ्राई कर लें। हमें कबाब को ऊपर से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन करना है, इसलिए तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना कबाब टूट भी सकते हैं। सारे कबाब को इसमें एक एक करके हम डाल देंगे और ऊपर नीचे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, शैलो फ्राई वाले कबाब रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे। मैं कबाब को डीप फ्राई भी करके आपको दिखाती हूँ। डीप फ्राई के लिए आप तेल को अच्छे से गरम कर लें और इसमें आप सारे कबाब डालेंगे। करीब 30 से 40 सेकंड के बाद देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, ये देखिए। इसे प्लेट में आप निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।